हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आपको पता है कि मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का फुल हाउस कंस्ट्रक्शन मैं आपको दिखाऊंगा। आपको कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, कितना कॉस्ट आएगा आपका अगर आपको वन फ्लोर बनाना है, टू फ्लोर बनाना है, कितनी कॉस्टिंग है, कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, कहाँ कहाँ पर ठेकेदार गलती करते हैं, क्या क्या आपको चीज़ें चेक करनी है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का मैं आपको पूरा बताऊँगा। ठीक है, जो लास्ट वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको ये दिखाया था कि हमने लेआउट कर दिया था, उसके बाद जेसीबी की मदद से हम एक्सकेवेट कर रहे थे जहाँ जहाँ पे कॉलम डलने वाले थे। जो हम कॉलम डालने वाले हैं वो 3.5 बाय 3.5 का हमने जाल बना रखा है नीचे, तो हमने उसके अकॉर्डिंग 4 बाय 4 का हमने गड्ढा कर रखा है, 4 बाय 4 फिट का, और उसकी डेप्थ भी हमने 4 फिट ही रखी है। ठीक है, तो आप इस वीडियो में देख सकते हो कि हमने वो जेसीबी से एक्सकेवेशन करवा दिया। उसके बाद हमने जो ये गड्ढे हैं, जो पिट हैं, उसमें हमने दोबारा से सेंटरिंग की है क्योंकि हमने गड्ढे तो खोद दिए। उसके बाद हमें यह पता होना चाहिए कि कॉलम का सेंटर कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आप जैसा ही वीडियो में देख सकते हैं कि आपको धागे दिख रहे होंगे, ये हमने प्लान के अकॉर्डिंग दोबारा सेंटरिंग की है। ये सेंटरिंग कैसे करते हैं, ये प्लान हम कैसे आप बनाते हैं धागों की मदद से, अगर आपको जानना है तो कमेंट करिए, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँगा क्योंकि ये भी एक बहुत टेक्निकल चीज़ है, ठेकेदारों को करनी आती ही नहीं है, वो टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, उसकी वजह से जो आपके कॉलम होते हैं वो आगे पीछे प्लेस हो जाते हैं। मैं आपको इसमें एक हल्का सा हिंट दे देता हूँ कि हमने कैसे किया है। अब देखिए, जैसे ये वाली इमेज है, इसमें जो आपको ये वाइट कलर का घर दिख रहा है पीछे, हमने इसको रेफरेंस मान लिया। ठीक है, और हमें पीछे से दो फीट ये वाइट वाले घर को छोड़ना था और 2 फीट हमें अपने घर के लिए छोड़ना था, तो इसलिए हमने पीछे वाले वाइट जो हमने घर रेफरेंस मान रखा है, इससे हमने 4 फिटा आगे को इसी की ही लेंथ में 4 फिटा हमने सरिया गाड़ दिए ताकि वो एक रेफरेंस टाइप का आ जाए, और दोनों जब हमने सरिया कनेक्ट किए तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। ठीक है, हमें इस घर के लेंथ की साइड तो हमें स्ट्रेट लाइन मिल गई, लेकिन अब बात है कि जो इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री है वहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन कैसे मिलेगी, तो वो हम इस तरीके से किया कि हमें पता है कि जो हाइपोटेन्यूस होता है राइट ट्रायंगल का, वो हमेशा 3 4 5 मतलब 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर का ट्रायंगल बनाएगा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने जो ये लेंथ वाली साइड है वाइट वाले घर की साइड की लेंथ हमने 3 मीटर नापी, और इसके परपेंडिकुलर ही हमने अलग अलग ओरिएंटेशन में लाइन सेट की 4 मीटर की, और उसके बाद जब हमने 3 मीटर और 4 मीटर के पॉइंट को मिलाया तो जहाँ पे 5 मीटर आ रहा था वहाँ पे हमने उस तरीके से ही जो परपेंडिकुलर लाइन है उसे सेट करा और हमें दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर मिल गई। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो कमेंट करिए नीचे, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।